Now, student, today's our topic is final discussion for derivative and continuity. Now, in 17, 18, 19 वीडियो में हमने कंटिन्यूटी को कवर किया है और बहुत डिटेल में कंटिन्यूटी हमने देखा है. कंटिन्यूटी डिपेंड करती है मेथड पर. आपको मेथड आनी चाहिए कि विच टाइप ऑफ सम इज गिवन और विच टाइप ऑफ मेथड परफॉर्म करना है. जैसे ग्रेटर देन लेस देन के लिए हम RHL ले रहे हैं, LHL ले रहे हैं, और सिंपल फंक्शन के लिए जहां पर इनइक्वालिटीज गिवन नहीं होती है वहां पर हम सिंपल फॉर्मूला ले रहे हैं. तो मेथड इंपॉर्टेंट है यहां पर. नाउ इन दिस वीडियो हम फाइनल डिस्कशन कर रहे हैं डेरिवेटिव का और कंटिन्यूटी का. यहां पर हमारा डेरिवेटिव एंड कंटिन्यूटी चैप्टर खत्म हो रहा है. तो फाइनल डिस्कशन में हम कंटिन्यूटी का लास्ट टॉपिक ले रहे हैं, कंटिन्यूटी फॉर द कंपोजिशन फंक्शन. यानी कंटिन्यूटी को हमने डिस्कस किया है लेकिन अभी तक हमने कंपोजिशन फंक्शन वाला कोई सम नहीं किया है, उसका डिस्कशन नहीं किया है. तो सपोज एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू कॉस एक्स स्क्वायर या कोई भी सम इस टाइप का गिवन हो जो कंपोजिशन फंक्शन में होना चाहिए. मीन्स देर आर मोर देन वन फंक्शन इज देर, और दो फंक्शन का कॉम्बिनेशन करके एक फंक्शन बना है और उसकी हमको कंटिन्यूटी डिस्कस करनी है. तो वो टॉपिक हम ले रहे हैं, डिस्कस कंटिन्यूटी एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू कॉस एक्स स्क्वायर. नाउ यहां पर हमको सबसे पहले जो एफ ऑफ एक्स फंक्शन है वो कंपोजिशन फंक्शन है वो ध्यान में रखना है. और हम यहां पर सपोज करेंगे एच ऑफ एक्स इक्वल्स टू, कोई भी नेमिंग कर सकते हैं, डजंट मैटर, जी ऑफ एक्स इक्वल्स टू कॉस एक्स फंक्शन ले रहे हैं. यानी हमको पता चलना चाहिए कि ये जो एफ ऑफ एक्स है वो कौन से दो फंक्शन के कॉम्बिनेशन से बना हुआ है, एंड वो जो एफ ऑफ एक्स है दैट इज कॉल्ड कंपोजिशन फंक्शन. नाउ ओवर हियर सबसे पहले हम एच ऑफ एक्स को डिस्क्राइब करेंगे. अब हमको ये डिस्क्राइब करना आ जाना चाहिए. तो क्या डिस्क्राइब करेंगे, हियर एच ऑफ एक्स इज पॉलीनोमियल फंक्शन. हियर एच ऑफ एक्स इज पॉलीनोमियल फंक्शन, सो इट इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर. कंपोजिशन फंक्शन की कंटिन्यूटी कोई नई नहीं है, वो पुरानी है लेकिन एक न्यू टॉपिक में है तो हम उसको प्रॉपरली डिस्क्राइब कर रहे हैं. वैसे ही जी ऑफ एक्स, तो जी ऑफ एक्स इज द ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन एंड वी नो ऑल ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर और इट्स डोमेन. तो यहां पर सबसे पहले हमको जो फंक्शन गिवन है वो कौन से दो फंक्शन के कंपोजिशन से बना हुआ है वो देखना है. तो एच ऑफ एक्स इज पॉलीनोमियल लिखना आना चाहिए, पॉलीनोमियल फंक्शन, एच ऑफ एक्स इज पॉलीनोमियल फंक्शन, सो इट इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर. सेम वे जी ऑफ एक्स इज द ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, सो इट इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर. नाउ आफ्टर दिस हमको यहां पर कंपोजिट कंपोजिशन फंक्शन लेना है. कौन सा फंक्शन लेना है, जी ऑफ एच ऑफ एक्स. अब स्टूडेंट यहां पर समटाइम्स कंफ्यूजन होता है कि हमको एच ऑफ एक्स फंक्शन है और जी ऑफ एक्स फंक्शन है तो हमको कंपोजिशन कौन सा लेना है, जी ओ एच लेना है या एच ओ जी लेना है. तो अगर उस टाइप का अगर हमको कुछ प्रॉब्लम अराइज हो तो आपको रफ में पहले वो सॉल्यूशन ले लेना है कि जी ओ एच से एफ ऑफ एक्स बनेगा या एच ओ जी से एफ ऑफ एक्स बनेगा. तो यहां पर जी ओ एच से एफ ओ जी बनेगा. सी प्रॉपरली, जी ऑफ एच ऑफ एक्स, सो हियर इट इज जी ऑफ एक्स स्क्वेर. नाउ जी ऑफ एक्स स्क्वेर, सो इट इज कॉस एक्स स्क्वेर. अब ये चीज आपको अगर डायरेक्ट पता नहीं चलता है तो
आपको ये भी फाइंड आउट करके देख लो, एच ओ जी ऑफ एक्स, तो एच ऑफ जी ऑफ एक्स क्या होगा, एच ऑफ जी ऑफ एक्स, तो ये हो गया आपका एच ऑफ कॉस एक्स, तो ये हो गया आपका कॉस एक्स होल स्क्वायर। तो यहां पर ये वाला फंक्शन एफ ऑफ एक्स के लिए वैलिड नहीं है, तो यहां पर हमारा फंक्शन होगा जी ओ एच। वंस अगेन, आप एच ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स कोई भी सपोज कर सकते हो, तो एच ऑफ एक्स ले लिया एक्स स्क्वायर, जी ऑफ एक्स ले लिया कॉस एक्स, या फिर उल्टा सुल्टा हो गया, तो वो चीज लर्न बाय हार्ट ना करते हुए हमको सबसे पहले जी ओ एच एच ओ जी लेना है और वेरीफाई करना है कि एच ओ जी हमको एफ ऑफ एक्स दे रहा है या जी ओ एच हमको एफ ऑफ एक्स दे रहा है। तो यहां पर हमको जी ओ एच से एफ ऑफ एक्स मिल रहा है, तो यहां पर सबसे पहले हमको कंपोजिट फंक्शन डेवलप कर देना है। नाउ कंपोजिट फंक्शन डेवलप करने के बाद वंस अगेन हमको जाना है सेम स्टेटमेंट पे, हियर जी ऑफ एक्स एंड एच ऑफ एक्स, जिससे कंपोजिट फंक्शन बना है, हियर एच ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स बोथ इज कंटिन्यूअस फंक्शन फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, हियर एच ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स बोथ इज कंटिन्यूअस फंक्शन फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर इट्स कंपोजिशन ऑफ जी ऑफ एक्स एंड एच ऑफ एक्स इज ऑल्सो कंटिन्यूअस फंक्शन फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू कॉस एक्स स्क्वायर इज कंटिन्यूअस फंक्शन फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। तो स्टूडेंट, कंपोजिट फंक्शन एकदम इजी है, जो हम आगे कर चुके हैं उसी चीज को एक प्रॉपर वे से एक्सप्लेन करना है। वंस अगेन मेथड याद रखनी है, सबसे पहले हमको एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू कॉस एक्स स्क्वायर, जो हमारा कंपोजिशन फंक्शन है, उसको आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफाई करके जो जिससे जिस दो फंक्शन से वो कंपोजिशन बना हुआ है वो फंक्शन हमको सपोज करना है। ये सब में हमने सपोज किया है एच ऑफ एक्स एंड जी ओ एक्स। नाउ एच ऑफ एक्स इंडिविजुअल, जी ऑफ एक्स को इंडिविजुअल कंटिन्यूअस है वो एक्सप्लेन करना है। तो यहां पर हमने आगे भी ये किया हुआ है, एच ऑफ एक्स इज पॉलिनोमियल फंक्शन सो इट इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, जी ऑफ एक्स इज द ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन सो इट इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, या फिर वो डोमेन में कंटिन्यूअस है ऐसा भी लिख सकते हैं। नाउ उसके बाद हमको एफ ऑफ एक्स को डिफाइन करना है विद कंपोजिशन फंक्शन। तो यहां पर हमारा कंपोजिशन फंक्शन जो हो रहा है वो जीओ एच से हो रहा है। अब सडनली हमको जीओ एच ही कंपोजिशन फंक्शन होगा वो पता नहीं चलेगा, तो जीओ एच भी फाइंड करो, एच ओ जी भी फाइंड करो, लेकिन रफ में, और देखो कौन सा हमको कंपोजिशन फंक्शन मिल रहा है। तो यहां पर जीओ एच हमको कंपोजिशन फंक्शन मिल रहा है। स्टूडेंट आपको याद होगा कंपोजिशन फंक्शन के लिए हम याद करते हैं, इट इज जी ऑफ एच ऑफ एक्स, अगर जी ऑफ एक्स के अंदर वो कॉस एक्स है तो जी ओ एक्स स्क्वायर के लिए वो होगा कॉस एक्स स्क्वायर, एच ओ जी होगा कॉस एक्स होल स्क्वायर। कंपोजिशन फंक्शन हमको आना ही चाहिए, आगे बहुत जगह पर वो यूज होगा। नाउ कंपोजिशन फंक्शन मिलने के बाद यहां पर जी ओ एच ऑफ एक्स हमारा कंपोजिशन फंक्शन है, तो वो मिलने के बाद हम लिखेंगे एच ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स बोथ इज कंपोजिशन फंक्शन, बोथ इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, सो इट्स कंपोजिशन ऑफ जी ऑफ एक्स एंड एच ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर।
Therefore, f of x equals to cos x square is continuous for all x belongs to R. तो इस टाइप का कोई भी सम हो आप ये तरीके से लिख सकते हो. Now, the next topic is our differentiability. अब जब हमने रोल्स थियरम और मीन वैल्यू थियरम किया था उस टाइप पर हमने दो स्टेटमेंट डिफाइन किया था कि भाई पॉलीनोमियल ट्रिग्नोमेट्री लॉगरिथमिक फंक्शन आर कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबिलिटी. तो कंटिन्यूअस तो हमने प्रॉपरली कर लिया लेकिन डिफरेंशिएबिलिटी क्या है वो अभी तक हमने नहीं किया. और ये चैप्टर में डिफरेंशिएबिलिटी अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हमारे पास ज्यादा सम नहीं है, हार्डली एकाध सम में उसको एक्सप्लेन कर रखा है. तो हम यहां पर अभी टेस्ट ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी एक्सप्लेन करने जा रहे हैं. बहुत ध्यान से देखना है, इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि हमको कंटिन्यूटी डिस्कस करना आ गया है. नाउ डिफरेंशिएबिलिटी के लिए हम जाएंगे फंक्शन में. तो वो टेस्ट क्या है पहले वो डिफाइन कर लेते हैं हम. एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल्स टू ए. एफ ऑफ एक्स इज अ डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल्स टू ए इफ. अब जैसे हम कंटिन्यूटी में एक पॉइंट के आगे कंटिन्यूटी डिस्कस करते हैं वैसे इस डिफरेंशिएबिलिटी में भी कोई एक पॉइंट के आगे हम डिफरेंशिएबल डिस्कस करते हैं. तो टेस्ट ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी के लिए एफ ऑफ एक्स इज द डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल्स टू ए इफ आर एफ डैश ए, क्या चीजें मैं एक्सप्लेन करता हूं बाद में, इक्वल्स टू एल एफ डैश ए. ये है राइट हैंड डेरिवेटिव, ये है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव. वहां पर कंटिन्यूटी में आर एच एल था, यहां पर है वो आर एफ डैश ए, जिसका मतलब होता है राइट हैंड डेरिवेटिव. और एल एफ डैश एक्स दैट इज होता है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव. नाउ ये जो लेफ्ट राइट हैंड डेरिवेटिव है और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है, अगर ये सेम हो जाती है, राइट हैंड डेरिवेटिव एंड लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव अगर सेम हो जाती है तो द गिवन फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल्स टू ए, ये हो जाता है. नाउ ये आर एफ डैश ए क्या है, तो ध्यान से देखो, आर एफ डैश ए दैट इज इक्वल्स टू एच टेंस टू जीरो लिमिट एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच. कंटिन्यूटी में जो फॉर्मूला है उसी टाइप का फॉर्मूला है, थोड़ी लेकिन थोड़ा डिफरेंट है. तो राइट हैंड डेरिवेटिव होता है एच टेंस टू जीरो लिमिट एफ ऑफ ए प्लस एच. याद करो कंटिन्यूटी में भी हम राइट हैंड लिमिट के लिए ए प्लस एच का यूज करते हैं. तो दिस इज एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच, दिस इज कॉल्ड राइट हैंड डेरिवेटिव. वैसे ही लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जिसको हम एल एफ डैश ए बोलते हैं, द फॉर्मूला इज एच टेंस टू जीरो लिमिट, ये हुआ एफ ऑफ ए माइनस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन माइनस एच. स्टूडेंट कंटिन्यूटी जो है वो कंटिन्यूटी के ही रिलेटेड है, थोड़ा सा अलग है लेकिन याद करने के लिए आप लेफ्ट हैंड लिमिट को याद करो तो ये आपको फॉर्मूला याद रह जाएगा कि लेफ्ट हैंड लिमिट में हम ए माइनस एच एक्स के एक्स को रिप्लेस करते हैं और राइट हैंड लिमिट के अंदर हम एक्स को रिप्लेस करते हैं ए प्लस एच से. तो वही चीज यहां पर एक्सप्लेन हुई है. तो वंस अगेन टेस्ट ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी क्या है, तो एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल
एट एक्स इक्वल्स टू ए इफ आर एफ डैश ए इक्वल्स टू एल एफ डैश ए। अब आर एफ डैश ए क्या है तो राइट हैंड डेरिवेटिव है, एल एफ डैश ए क्या है तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है। अब राइट हैंड डेरिवेटिव की फॉर्मूला क्या है, एच टेंड्स टू जीरो लिमिट एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच। और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की फॉर्मूला क्या है, एच टेंड्स टू जीरो लिमिट एफ ऑफ ए माइनस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन माइनस एच। तो स्टूडेंट ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, दिस इज द टेस्ट ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी। अब इस पर डिपेंडेंट हम सम देखेंगे। नाउ वन सम डिस्कस डिफरेंशिएबिलिटी एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू मॉड्यूलस ऑफ एक्स माइनस वन। स्टूडेंट डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के सम हमारे पास बहुत ही कम है, और अभी जो मैं सम ले रहा हूं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सम है फॉर द डिफरेंशिएबिलिटी। नाउ जैसे कंटिन्यूटी में करते हैं, मॉड्यूलस को हम सबसे पहले सिंप्लीफाई करते हैं अकॉर्डिंग टू इट्स डेफिनेशन। तो यहां पर भी हम सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले एफ ऑफ एक्स को यानी कि मॉड्यूलस को एक्सपांड करेंगे। तो एक्स माइनस वन एंड एक्स इज ग्रेटर देन वन, वन माइनस एक्स व्हेन एक्स इज लेस देन वन, और जीरो व्हेन एक्स इक्वल्स टू वन। तो यहां पर हमने जो गिवन फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है उसको हमने प्रॉपरली पहले एक्सप्लेन किया। नाउ यहां पर हमने डिफरेंशिएबिलिटी जो चेक करनी है उसको प्रॉपरली थ्री स्टेप्स में आगे लेंगे। तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू कंटिन्यूटी फॉर एक्स ग्रेटर देन वन, तो फॉर एक्स ग्रेटर देन वन व्हाट इज द फंक्शन, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस वन इज डिफरेंशिएबल एज इट इज अ पॉलीनोमियल फॉर एक्स ग्रेटर देन वन। एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस वन इज डिफरेंशिएबल एज इट इज अ पॉलीनोमियल। नाउ सेकेंड पार्ट होगा फॉर एक्स लेस देन वन, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू वन माइनस एक्स इट इज डिफरेंशिएबल एज इट इज अ पॉलीनोमियल। तो जैसे हम कंटिन्यूटी में लिखते थे कि भाई इट इज अ पॉलीनोमियल सो इट इज अ कंटिन्यूअस फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, जैसे हम कंटिन्यूटी में डिस्कस करते थे फर्स्ट टू पॉइंट को, ऐसे ही डिफरेंशिएबिलिटी में भी हमको एक्सप्लेन करना है फॉर एक्स ग्रेटर देन वन फॉर एक्स लेस देन वन। थोड़ी लैंग्वेज चेंज है, जो हमने समरी में प्रॉपरली लिखा हुआ है इज डिफरेंशिएबल एज इट इज पॉलीनोमियल इज डिफरेंशिएबल एज इट इज पॉलीनोमियल। नाउ ये लिखने के बाद हम जाएंगे हमारे थर्ड स्टेप में फॉर एक्स इक्वल्स टू वन, इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो फॉर एक्स इक्वल्स टू वन हम कैसे फाइंड आउट करेंगे इसको अब देखना है। तो फॉर एक्स इक्वल्स टू वन हम जाएंगे आर एफ डैश वन में, जो हमने फॉर्मूला में लिखा है उसको कैसे अप्लाई करना है वो देखने जा रहे हैं, आर एफ डैश वन। अब एज ए फॉर्मूला वो होगा एच टेंड्स टू जीरो लिमिट एफ ऑफ वन प्लस एच माइनस एफ ऑफ वन अपॉन एच। स्टूडेंट इट इज वेरी क्लियर फॉर एक्स इक्वल्स टू वन दिस इज आर एफ डैश वन इक्वल्स टू एच टेंड्स टू जीरो लिमिट एफ ऑफ वन प्लस एच माइनस एफ ऑफ वन अपॉन एच। नाउ दिस इज एच टेंड्स टू जीरो लिमिट, अब ये राइट हैंड साइड के लिए है तो प्रोनाउंस करना है फॉर द राइट हैंड साइड द वैल्यू ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन वन। तो ये जो हमने एफ ऑफ वन प्लस एच लिखा हुआ है वो उसका फंक्शन होगा हमारा एक्स माइनस वन। तो एक्स माइनस वन फंक्शन के लिए वन प्लस एच लेंगे तो वो होगा वन प्लस एच माइनस वन
minus f of 1 that is equals to 0 upon h. उसका सिंप्लीफाई करेंगे तो h tends to 0 लिमिट, h tends to 0 लिमिट, ये 1-1 कट हो जाएगा, h upon h that is h tends to 0 लिमिट 1 that is equals to 1. तो यहां पर हमने ये फाइंड आउट किया राइट हैंड डेरिवेटिव. एकदम इजी है, कंटिन्यूटी से भी ज्यादा इजी है. कंटिन्यूटी में तो भी हम फिर भी लिमिट चेंज करते थे, यहां पर तो सिर्फ सब्स्टिट्यूशन देना है. तो वंस अगेन फॉर एक्स इक्वल्स टू वन, जो हमने डेफिनेशन में आर एफ डैस ए लिया था तो ए को रिप्लेस करेगा वन, क्योंकि यहां पर वन के आगे डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है. तो एफ डैस वन, एच टेंस टू जीरो लिमिट एफ ऑफ वन प्लस एच माइनस एफ ऑफ वन अपॉन एच. फंक्शन को आइडेंटिफाई किया फॉर द ग्रेटर देन वन और यहां पर लिमिट एंटर करके आंसर लाए हैं इसका वन. नाउ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव दैट इज एल एफ डैस वन इक्वल्स टू एच टेंस टू जीरो लिमिट एफ ऑफ वन माइनस एच माइनस एफ ऑफ वन अपॉन माइनस एच. लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव दैट इज एल एफ डैस वन एच टेंस टू जीरो लिमिट. नाउ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, हमने ये फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट किया है. नाउ ये फॉर्मूला को हम फंक्शन में डालेंगे तो हमारा फंक्शन था लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए द वैल्यू ऑफ एक्स इज लेस देन वन. तो लेस देन वन के लिए हमारा फंक्शन होगा एच टेंस टू जीरो लिमिट एंड दैट इज वन माइनस एच माइनस जीरो होल अपॉन माइनस एच. तो ये हमारा फंक्शन होगा एच टेंस टू जीरो लिमिट. यहां पर अगर हम सिंप्लीफाई देते हैं तो दिस इज एच माइनस जीरो अपॉन माइनस एच. तो ये हो जाएगा हमारा एच टेंस टू जीरो लिमिट माइनस वन, एच अपॉन माइनस एच दैट इज माइनस वन, और माइनस वन की लिमिट होती है माइनस वन. सो हियर आर एफ डैस वन डज नॉट इक्वल्स टू आर एल एफ डैस वन, सो इट इज नॉट डिफरेंशिएबल, इट इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल्स टू वन. तो एक्स ग्रेटर देन वन के लिए डिफरेंशिएबल है, एक्स लेस देन वन के लिए डिफरेंशिएबल है, बट ये जो फंक्शन है वो एक्स इक्वल्स टू वन के लिए डिफरेंशिएबल नहीं है. अब स्टूडेंट यही सम आपको एग्जाम में ऐसे भी आ सकता है, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू मोड एक्स माइनस टू, डिस्कस डिफरेंशिएबिलिटी. या फिर यही सम अगर एग्जाम में हमको आ सकता है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू मॉड्यूलस ऑफ एक्स माइनस वन प्लस मॉड्यूलस ऑफ एक्स माइनस टू और ऐसे अप टू मॉड्यूलस ऑफ एक्स माइनस वन तक आ सकता है. तो यहां पर हमको क्वेश्चन ऐसा भी पूछ सकते हैं कि दिस डिस्कस और प्रूव दैट दिस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट पर्टिक्यूलर पॉइंट गिवन दैट इज वन टू एंड एन. तो कोई भी सम आएगा डिफरेंशिएबिलिटी का अकॉर्डिंग टू मोड, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ओनली एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू मॉड्यूलस ऑफ एक्स माइनस टू आ सकता है. जो हमने वन के लिए किया वही हमको टू के लिए करना है, और यही चीज कॉम्बिनेशन में भी आ सकता है. तो हमको पर्टिक्यूलर वन के लिए टू के लिए अप टू एन के लिए करना है. तो सारे प्रूफ नहीं करने, एक दो प्रूफ करके बाद में शो ऑन करके बता देना है. तो ये हुआ हमारा टॉपिक डिफरेंशिएबिलिटी, ये हमारा टॉपिक हुआ डिफरेंशिएबिलिटी. नाउ आफ्टर दिस
डिफरेंशिएबिलिटी होने के बाद ज्यादा समय हमारे पास नहीं है, हमने होमवर्क में भी दे रखे हैं ये सब, आपको प्रॉपरली एक्सप्लेन करना है। अब यहां पर हमको एक नोट याद रखनी है कि जो डिफरेंशिएबल फंक्शन होता है वो कंटिन्यूअस 100% होता है। जो डिफरेंशिएबल फंक्शन होता है वो 100% कंटिन्यूअस फंक्शन होता है, लेकिन जो कंटिन्यूअस फंक्शन होता है इट मे और इट मे नॉट बी डिफरेंशिएबल। तो ये नोट आपको याद रखना है, डिफरेंशिएबल फंक्शन होता है वो कंटिन्यूअस होता है, लेकिन जो कंटिन्यूअस होता है और वो होता है मे और मे नॉट बी डिफरेंशिएबल। तो यहां पर हमारा कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी टॉपिक पूरा हो रहा है। याद रखो डिफरेंशिएबिलिटी के ज्यादा सम हमारे पास नहीं है, लेकिन जो एकाध सम हमारे पास है वो इम्पोर्टेंट सम में से एक है। मैंने होमवर्क में इंटीजर पार्ट का एक सम दे रखा है, इंटीजर पार्ट ऑफ एक्स, तो उसकी डिफरेंशिएबिलिटी भी ऐसे ही फाइंड करनी है। जो रिक्वायर्ड है उसको मैंने हिंट में लिखा हुआ है, तो वो प्रॉपरली आपको देखना है। नाउ एक डेरिवेटिव का टॉपिक है, डिफरेंशिएट यू विथ रिस्पेक्ट टू वी। नाउ हमने जो डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन इन पैरामेट्रिक फॉर्म लिया था उसी का एक फॉर्म है, और ये फॉर्मूला होगा हमारा डी यू बाई डी वी, एंड द फॉर्मूला इज डी यू बाई डी एक्स अपॉन डी वी बाई डी एक्स। पैरामेट्रिक फंक्शन का जो डेरिवेटिव था वो ही फॉर्मूला है। तो ये फॉर्मूला का यूज भी हम एक डिफरेंट टाइप के सम में करते हैं, जैसे कोई सम हमको दे रखा है डिफरेंशिएट टेन इनवर्स एक्स विथ रिस्पेक्ट टू कॉट इनवर्स एक्स। तो यहां पर हमको टेन इनवर्स एक्स को यू एक्स सपोज करना है, ओरिजिनल के साथ कंपैरिजन करना है, इसको वी ऑफ एक्स लेना है, डी यू बाई डी एक्स फाइंड करना है, डी वी बाई डी एक्स फाइंड करना है, और ये वाले फॉर्मूला में सब्सिट्यूट कर देना है। यानी ये अलग टॉपिक नहीं है, ये पैरामेट्रिक फॉर्म का डेरिवेटिव ही है, लेकिन राइटिंग पैटर्न उसकी थोड़ी अलग है। तो आपको नोन होना चाहिए, आपको कोई भी सम गिवन होगा तब हमको ये याद रखना है कि सम को कंपेयर करना है डिफरेंशिएट यू विथ रिस्पेक्ट टू वी। तो फॉर्मूला ये बन जाएगा और कोई भी सम हम इजिली परफॉर्म कर सकते हैं। एक सम हमने समरी में डिटर्मिनेंट की डेरिवेटिव का भी दे रखा है, वो डायरेक्टली सम है, उसकी फॉर्मूला है, देख लेना है आपको प्रॉपरली समरी के अंदर, और होमवर्क में भी हमने दे रखा है। तो यहाँ पर हमारा जो फिफ्थ चैप्टर है वो कंप्लीट हो रहा है। हमने ईच एंड एवरी टॉपिक सम को कवर करने का ट्राई किया हुआ है। प्रॉपरली वीडियो आपको देखना है, प्रॉपरली असाइनमेंट समरी को फॉलो करना है, और एक बार अगर समझ में नहीं आ रहा है तो दूसरी बार सुनने का ट्राई करो। हम क्लास में तो जो हमारा टॉपिक है उसको कई बार रिपीट करते हैं, तो वीडियो बनाने का हमारा मेन पर्पज वही है कि अगर एक बार आपको समझ में नहीं आ रहा है तो दूसरी बार भी उसको ट्राई करो देखने का, तो समझ में आ जाएगा। तो प्रॉपरली वर्क करो, प्रॉपरली वीडियो देखो, आप भी देखो, अपने फ्रेंड्स को भी बोलो कि प्रॉपरली वीडियो देखो, होमवर्क करो, तो हमारा फिफ्थ चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है।